राज संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज की 7 दिवसीय पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पार्क से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए वापस नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पहुंचकर संपन्न हुआ। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जन जन को राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी के जीवन काल के बारे में बताया और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा, भिखारी प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश। विश्व हिंदू महासंघ एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है। इसके संस्थापक व संरक्षक रहे गोरक्ष पीठाधीश्वर राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। महंत अवैधनाथ जी का सपना था कि बृहद हिंदू समाज एकजुट हो। बृहद हिंदू समाज की एकजुटता के लिए उन्होंने दलित बस्तियों में सहभोज का आयोजन किया। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर से 18 सितंबर तक महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के हिंदुत्व विकास के मुद्दे पर कार्य करते हुए महंत जी को श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। आज यहाँ से महंत अवैधनाथ जी की याद में एक शोभा यात्रा निकलेगी, जो नगर निगम से होकर के शास्त्री चौराहा, फिर उसके बाद अंबेडकर चौराहा, उसके बाद DBNDC कॉलेज, इंदिरा चेतना तिराहा, गोलघर होते हुए फिर हम लोग नगर निगम में आएंगे और महंत अवैधनाथ जी के द्वारा किए गए कार्यों का चारों ओर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे।